वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं यहाँ यहाँ बहुत पब्लिक है। ये लोग ले क्या, ये साफ कर रहा है खंबा या जूता वो पता नहीं। शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींच ना उसको। पागल है क्या, तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ लकड़ी, एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं आपको दोस्तों एक फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने आया हुआ हूं। दोस्तों एक फिल्म है जिसका नाम है, और ये फिल्म 2004 की है। इस फिल्म के अंदर राजपाल यादव सर की कॉमेडी बहुत ही बेस्ट है, और उनकी कॉमेडी तो वैसे बहुत सारी फिल्मों में बेस्ट है, सारी कॉमेडी वो बढ़िया करते हैं। तो आज मैं वो लोकेशन दिखाने आया हुआ हूँ दोस्तों, जो हलचल फिल्म के अंदर राजपाल यादव का जहाँ पर सीन रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों राजपाल यादव यहीं से आते हैं, ये जो दिख रहा है ना वो मुंबई आते हैं फर्स्ट टाइम। अब गांव के उनको दिखाया है तो वो अपने हाथ में अम्ब्रेला लिए रहते हैं, वो छाता लिए रहते हैं और एक पोटली लिए रहते हैं, और वो इधर से आते हैं और उनके बैकग्राउंड में ये ब्रिज दिखता है। अगर आप स्क्रीनशॉट से इस जगह को मैच करोगे, ये वही ब्रिज है दोस्तों, ये वही जगह है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फहीम भाई आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो कि ये वही ब्रिज है, क्या पता ये ब्रिज कहीं और भी हो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वही ब्रिज है। क्यों? क्योंकि ब्रिज के पीछे जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी तो यहीं पर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं पर दोनों जगह सेम हो, ब्रिज भी हो, सेम बिल्डिंग भी हो, कलर भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो दोस्तों आज हम करीब 18 साल बाद फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने आए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है ये शूटिंग लोकेशन देख के आपको वो दिन याद आ जाएंगे जब आपने करीब 10 साल पहले ये फिल्म देखी हो, या आपने बहुत टाइम पहले ये फिल्म देखी हो। मैं आपको किसी ना किसी तरीके से ये वाले शेड्यूल से, ये वाले लाइफ से थोड़े से दिन पीछे लेके जाके वो वाले दिन याद दिलाता हूँ जो आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो दोस्तों आज हम जहाँ पर 18 साल पहले राजपाल यादव जी के सारे सीन रिकॉर्ड हुए थे, राजपाल यादव सर यहीं से चल के आते हैं और उनके बैकग्राउंड में ये ब्रिज दिखता है, और यहाँ से वो चलते 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 ये ब्रिज की ओर बढ़ जाते हैं। आइए अब हम आपको ये ब्रिज दिखाएंगे और यहाँ पर वो सारे सीन आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों ये ब्रिज पहले पूरा ऐसा था, लेकिन कलर वो फिल्म में कुछ रेड टाइप का कलर है, ब्लू कलर नहीं था, लाल से टाइप का कलर था। और आप आगे आ जाते हो दोस्तों, गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों के टाइम पर ऐसे कहीं पर किसी भी बर्तन में पानी भर के रख दिया करें, उससे पंछी पक्षी आके आपके पानी पिएंगे और उसकी वजह से आपको बहुत सवाब मिलेगा दोस्तों। ना जाने कितने ना बनते हुए काम बनने लगेंगे आपके, जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है ऐसे पानी भर देने का कहीं पर बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों राजपाल यादव यहाँ से चलते हुए आगे जाते हैं, और आप देख सकते हो इसी ब्रिज के पीछे ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग फिल्म के सीन में दिखती है, ये सेम बिल्डिंग। और उसके बाजू में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग भी 18 साल पहले जब फिल्म के सीन यहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे, आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये जगह है, ये वो ब्रिज है जहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर एक पाइप डाला गया है जो वाटर पाइप है, जिससे कि उसको कुछ नुकसान ना हो जाए, दिख भी रहा है। देखो ये पाइप है, अगर आप देखोगे इसको बाउंड्री दे दी गई है, मतलब इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर मसाला डाल दिया गया है, तो ये थोड़ा ढका हुआ लग रहा है। बहुत सामान लेके जा रहे हो भाई। तो यहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड हुए थे इस जगह पर। दोस्तों फिल्म में आफ्ताब जो होते हैं वो डराना चाहते हैं राजपाल यादव को, जिससे कि वो इस मुंबई शहर से वापस चले जाएं, उनकी शादी वो लड़की से ना हो जाए जिनसे आफ्ताब जी करना चाहते हैं। तो वो
यहाँ पर आते हैं और आगे यहाँ पर पहले ना स्ट्रीट लाइट होती थी। ये जो आप रेलिंग देख रहे हो ना दोस्तों, जब फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे ये नहीं थी, ये वाली जाली नहीं थी, ये बाद में लगाई गई है, इसे फुटपाथ अलग कर दिया गया है। और दोस्तों मुंबई में ऑटो रिक्शा बहुत पहले से ही फेमस है, अगर आप जब भी नज़र डालेंगे तो आपको ऑटो रिक्शा दिख जाएगी, तो इतनी ऑटो रिक्शा होती हैं यहाँ पर बहुत। और वो फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है कुछ ऑटो रिक्शा वाले भाई यहाँ पर बैठे रहते हैं, इस जगह पर मैं बैठ ही जाता हूँ ना दोस्तों, इस जगह पर बैठे रहते हैं और वो चाय पीते हैं, वो जो कांच के गिलास में मिलती है वो बहुत ही बढ़िया चाय होती है जो कांच के गिलास में मिलती है, मुझे बहुत पसंद है 8-10 रुपये की चाय लेके कभी कभी पीना, नॉट डेली, कभी कभी पीना। तो वो इधर रिक्शा की यूनिफॉर्म में खड़े रहते हैं, तीन लोग खड़े रहते हैं इधर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, एक इधर बैठे रहते हैं और बाकी खड़े रहते हैं। और यहाँ से आगे की ओर जब राजपाल यादव जी बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होती थी, जो फुटपाथ देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होती थी, लेकिन अभी हमको वो स्ट्रीट लाइट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है, वो हटा दी गई है। लेकिन बैकग्राउंड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो बिल्डिंग दिखती है उनके बैकग्राउंड में, और वो जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उससे एक वायर नीचे जाता है, तो यहाँ पर अब तो आप देखेंगे ना दोस्तों पूरा स्ट्रॉन्ग है, पूरा यहाँ पर मसाला डाला हुआ है। लेकिन वो टाइम पर यहाँ पर कुछ जगह कच्ची थी, मतलब उनका जो पैर होता है वो ख़राब हो जाता था। हम यहाँ पर आके देखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये ट्रक खड़ा है करीब इस जगह पर, वो जब उनका पैर ख़राब हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको साफ़ करने लगते हैं। वो एक स्ट्रीट लाइट का खंबा होता है और उससे वो अपने शूज़ को साफ़ करने लगते हैं। अभी बैठे हुए लोग जो इधर बैठे थे, जिनके पीछे ये बिल्डिंग दिख रही थी, उनको लगता है कि राजपाल यादव जी चिपक गए हैं इलेक्ट्रिसिटी से और वो उनको बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों जब वो फिल्म के बहुत सारे सीन रिकॉर्ड हो रहे थे, ये बिल्डिंग भी दिखाई गई है फिल्म के अंदर, वाइट कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये बिल्डिंग भी दिखाई गई है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये तो बहुत बार दिखाई है, पूरी कंप्लीट दिखती है ये राजपाल यादव जी के सामने। तो दोस्तों इस जगह पर वो अपना ऐसा समझ लीजिए वो वायर है, ऐसा सूज साफ करते रहते हैं और उनका पैर हिलने लगता है। तो बैठे हुए रिक्शा वाले भाई समझते हैं इनको बिजली ने पकड़ लिया और वो आते हैं और उनकी बचाने के चक्कर में उनकी धुलाई कर देते हैं। अब वो धुलाई होने के बाद जो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे ना दोस्तों, वो इसी ब्रिज पर रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और आफ्ताब जाके उनको बता देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा लड़की ने कराया है। दोस्तों आज हम मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में हैं और ये वाला ब्रिज आपको दिखा रहे हैं, ना जाने यहाँ पर कितने सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने भी ये किसी फिल्म में देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों पीछे मेरे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी दिखती है जब फिल्म के सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे कुछ फिल्म में, और यहाँ पर तो ये बिल्डिंग आप देख चुके हो, कुछ बिल्डिंग्स इधर है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर ये फिल्म की शूटिंग लोकेशन आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लोकेशन आपको कैसी लगी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जगह आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप में से बहुत सारे भाई हैं जो चाहते हैं कि मैं उनकी बोली हुई वीडियो बनाऊं और वो मैं बना भी रहा हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करते जाएं और मैं वीडियो बनाते जाऊं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी भाई कुछ भी बातचीत करना चाहता है, कुछ भी पूछना चाहता है, तो फहीम व्लॉग इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक भी बंदा ऐसा ना हो जिस भाई से मेरी बात ना हो पाए। दोस्तों चलिए ये वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं, धूप का टाइम है, थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ। कैसा लग रहा हूँ? ठीक है। तो भाई यहाँ पर हुई थी फिल्म की शूटिंग मुंबई के अंधेरी में। दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सालों बाद वो लोकेशन देखना जो हम फिल्मों में देख चुके थे, या जो फिल्में जब रिकॉर्ड हुई थी जब हम पैदा ही नहीं हुए थे। तो देख लीजिए दोस्तों ये है वो जगह। अभी यहाँ पर काफ़ी हरा भरा हो चुका है दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बाकी तो जगह ऐसे ही रहती हैं, चीज़ें ऐसी रहती हैं, लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। सही बोला आदिल भाई ने। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें,
अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और देखते रहें फहीम व्लॉग। लव यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ गाइज। लव यू ऑल।